नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है वो हमारे चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारे जो कार होते हैं उसमें दोस्तों बहुत सी बार फैन बेल्ट या अल्टरनेटर बेल्ट से एक नॉइस आती है, और वो नॉइस जो हमें बहुत इरिटेट करती है और गाड़ी चलाने में हमें बहुत दिक्कत होती है ये नॉइस के साथ। और दोस्तों, ये नॉइस होती है ये बहुत सी बार हम जो ये जो फैन बेल्ट है या अल्टरनेटर बेल्ट है वो चेंज करते हैं तो भी ये जाती नहीं है, फिर आ जाती है। तो दोस्तों, ये असल में प्रॉब्लम क्या होता है और कैसे ये प्रॉब्लम को पहचानते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो नॉइस कैसे आ रही है वो सुना रहा हूँ। अभी शुरुआत हो गई है ये मेरी गाड़ी में नॉइस आने की, बहुत सी गाड़ियों में ज़्यादा आती है इससे। दोस्तों, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है ये इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले नॉइस कैसे आ रही है ये देख लीजिए। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस गाड़ी में जो बेल्ट का टेस्टनर दिया हुआ है वो ऑटो टेस्टनर है, इसलिए ये ऐसा 15 नंबर का पाना इसको लगता है और ये प्रेशर से खींच के ये बेल्ट निकालना होता है। इसके लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये हर गाड़ी में ऐसा ही नहीं होता। तो दोस्तों, बाकी का गाड़ी में मैनुअल टेस्टनर होता है, वो लूज़ करके हमें बेल्ट निकाल के लेना होता है। तो दोस्तों, इसमें मैं ये बहुत हार्ड होता है इसलिए ये पाइप डाल के मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसको मैं ये देखो ये निकल गया दोस्तों। अब बेल्ट मैं निकाल के ले लेता हूँ। दोस्तों, ये हमने बेल्ट निकाला है। सबसे पहले दोस्तों बेल्ट ऐसा करके हमें चेक करना होता है। ये दोस्तों बेल्ट मैंने 1-1.5 महीना पहले ही नया डाला है, इसलिए नया है। आपको पुराना बेल्ट दिखाता हूँ, ये देखो। ये दोस्तों ऐसा अगर हो गया है तो आपको बेल्ट चेंज करना होता है, ठीक है। ये देखो, ये पुराना वाला बेल्ट है, ये ख़राब है, ठीक है। बेल्ट तो हमारा अच्छा है जो गाड़ी में बिठाया था, मैंने ये सिर्फ आपको दिखाया कैसा ख़राब होता है, ठीक है। ये मैं बाजू में रख देता हूँ। और दोस्तों, जो हमारे ये जो पावर स्टीयरिंग की पुली है, ये देखो, ऐसे घुमा के देखनी है हमें और ऐसे हिला के देखनी है, एकदम स्मूथ घूमनी चाहिए और हिलनी नहीं चाहिए। ऐसी अल्टरनेटर की भी पुली होती है, ये देखो, ये हिलनी नहीं चाहिए क्योंकि इस पुली से भी बहुत सी बार आवाज़ आता है। और ये दोस्तों आइडलर पुली है इसकी, ये भी हिल नहीं है। और ये एक टेंशनर पुली है इधर अंदर दोस्तों, टेंशनर पुली है जो ये हिल रही है थोड़ी। तो मैं दोस्तों ये पुली निकाल के ले लेता हूँ, टेंशनर पुली है हमारी। दोस्तों, ऐसे ही हमारी एसी कंप्रेसर की पुली होती है, वो भी हमें चेक करनी है, होलती नहीं है क्या। और ये पावर स्टीयरिंग की एक पुली होती है, इसमें एक ऑयल पंप की पुली है, अंदर दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। वो भी आपको हिला के देखनी है, उसमें प्ले तो नहीं है, और घुमा के देखनी है स्मूथ घूमती है क्या। दोस्तों, अभी ये देखो, ये हमारा आइडलर बेरिंग है, वो एकदम स्मूथली घूम रहा है, लेकिन स्टेशनर बेरिंग एकदम स्मूथ नहीं घूम रहा है और उसमें प्ले भी है। ये दोस्तों देखो, ये डिफेक्टेड जो बेरिंग है ना, ये हिल रहा है ऐसा, इसलिए इसी का जो आवाज़ था वो आ रहा था इसमें। तो दोस्तों, मैंने नया ये बेरिंग आता है वो लाया हूँ, अभी ये फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ आवाज़ वगैरह कैसे आता है और कैसे फिट करते हैं इसको, ठीक है। ये देखो, ये सेम बेरिंग है, टाटा विस्टा का ही है। ये देखो, ये मुझे लगता है पहले बदला है, ये अलग डाला था शायद। अभी मैं ये जो पुली है ये बदल के ले लेता हूँ और बेल्ट लगा के आपको आवाज़ दिखाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे लगाते हैं उसको, ठीक है। देखो दोस्तों, ये इस पुली पे ये कैप लगाई होती है, वो मैंने निकाल के ले ली। और दोस्तों, तो पुरानी जो पुली थी हमारी, उसकी कैप भी किधर गिर गई थी, ये नट इसके ऊपर ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं ये लगा के ले लेता हूँ अंदर। दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर कैमरा में दिखा नहीं पाऊँगा,
फिर भी कोशिश करता हूँ। एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कैसे लगाए हैं। ये देखो दोस्तों, ये नीचे वाला जो बेरिंग है ना पुली, वो हमने लगा दिया। और उसके ऊपर दोस्तों ये 15 नंबर का नट आता है, वो मैं अभी लगा के लेता हूँ। और बेल्ट कैसे लगाना है ये आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हमने बेल्ट लगा के ले लिया है। अब दोस्तों ये टेंशनर है, ये दबा के हमको बेल्ट लगा के लेना है। ये देखो दोस्तों ऐसे बेल्ट, और अब बैठ गया है इस तरह। तो दोस्तों बेल्ट बैठने के बाद दोस्तों ये देखना है हमें सब पुली में ठीक से बैठा है क्या वो। अगर किसी पुली में दोस्तों बैठा नहीं है तो बेल्ट हमारा डैमेज हो सकता है, इसलिए चेक करना है सभी पुली में बैठा है क्या। तो दोस्तों ये सब तरफ से अच्छी तरह बैठ गया है, ठीक है। मैं अभी आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा जो ये जो आइडलर पुली थी ये हमने बदल दी है, और दोस्तों अब गाड़ी हमने चालू की है। दोस्तों अब आवाज़ देखो कितना कम हो गया है गाड़ी का, बेल्ट का ज़रा भी जो नॉइस आता था वो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल है मास्टर माइंडटेक, उसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।